Senior costume and makeup artist and hairdresser association, senior seniors association, senior agents combined, senior dancers association, senior still TV and motion photographers association, film studios setting an allied working union, Indian fun film dance directors association, junior artists association, movie stunt. Thank you. Movie stunt art. हम कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि बहुत अहम मुद्दे के 15 आधे घंटे के बाद पूरा साल आपको बात करने के लिए। आज 26/11 है, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत उस अटैक में जितने भी लोग जाने गई थी ऊपर जितना हो सके दिखाइए ताकि माहौल बने, हमें हम पाता है कि जो हमारे साथ खड़े हुए हैं हर वक्त, मैं मुंबई पुलिस का भी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सब हमारे साथ हैं। आप हमारे जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है राजा, हर ऑर्गेनाइजेशन से प्लीज दो दो शख्स जो है वो ऊपर आ जाएं ताकि एक एक करके आपकी बात आप लोगों के सामने रखें, और सब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द बोले। उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंट एक एक करके प्लीज ऊपर आइए, उनके जितने भी लीडर्स हैं वो ऊपर आएंगे और अपने अपने शब्द बोलेंगे। सर देखिए, मैं जानता हूँ आज ये नारा जो दिया है कि मैं आजाद हूँ, इसका मतलब यह है कि आज हम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स शो और क्रिएटिव शो, अगर एक प्रोड्यूसर पिक्चर बनाने की हिम्मत ही नहीं करेगा तो डायरेक्टर की कहाँ से हिम्मत करेगा और फिल्म इंडस्ट्री में पाएंगे। आज तक जो डायरेक्टर ने फिल्म वालों को टैंक किया करके तो डिजिटल उसको रिटर्न करना चाहिए, तो वहाँ पर भी सर्जिक हुई है। तो मैं इससे जानता हूँ कि पद्मावती के लिए भी भैया विज पद्मावती, हाँ अगर पद्मावती के अंदर कोई भी सर्जर और भूषण ने डर दिखाएंगे तो वो सर्जर हमें पिक्चर देखने के बाद बताएं कि इस वक्त ये काफ़ी ये ठीक नहीं है, ये नहीं कि कोई आदमी नहीं भी खड़ा हो जाता है। थैंक यू। अपने लिए और आज भी हम खड़े हैं यहाँ अपने लिए, फिल्म इंडस्ट्री को 104 साल लगभग हमें आया, पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र बनी थी जो भी भगवान पे थी, वो पिक्चर जो 100 साल में जिसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, CBI आ गया है, सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया जो ये चीज़ें को देखता है, तो ये सब सेंसर बोर्ड पे छोड़ना चाहिए, ना कि हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं जिनके ऊपर आज हमारे लाखों टेक्नीशियनों की और वर्करों की रोटी चलती है, और ऐसे महान संजय लीला बंसाली जैसे महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो ये मैं जरूरी समझूंगा कि उनका नाम अगर हम उनके महबूब साहब के साथ ले या आसिफ साहब के साथ ले, जो एपिक पिक्चर बनाते हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर बनाते हैं जिसमें क्राउड, जिसमें सेट लगते हैं, जिसमें हमारे लाखों मजदूर भाई सेट पे काम करते हैं, सेट बनता है फिर सेट टूटता है, तो कितना उन लोगों को रोजी रोटी मिलती है, हमारे वर्कर चलते हैं, हमारे वर्करों को कितनी रोटी रोजी मिलती है, तो ऐसे प्रोड्यूसर को हमें हमेशा उनके साथ, और हमारी एसोसिएशन महिला कलाकार की एसोसिएशन और हमारी तमाम एसोसिएशन जो इधर मौजूद है वो सब ऐसे महान प्रोड्यूसर ऐसे यू किसी न किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में हिस्सा लेते रहे हैं, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है, यानी हमारी कर्मभूमि, हमें यहाँ से कर्म मिलता है, हमें काम मिलता है, तो ये भूमि को हमें खत्म होने नहीं देना है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, कभी किसी प्रोड्यूसर के लिए, कभी किसी डायरेक्टर के लिए, कभी किसी, और ये जो हमारा हो रहा है जैसे ये बैनर होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड को जो भी चाहिए, यहाँ तक क्या अगर हम लोग जैसे जूनियर आई डी सर हम लोग इंस्पेक्टर बनते हैं या DIG बनते हैं तो लोग हमारी पट्टी तक देखते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, तो उसमें पुलिस वाले बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं सेंसर बोर्ड में जो चेक करते हैं, तो हम लोग करती है चाहे पिक्चर हो टीवी सीरियल हो
ऐसे टीवी सीरियल प्रोड्यूसर और पिक्चर के प्रोड्यूसर के और डायरेक्टरों के साथ हम हमेशा है और हमारी एसोसिएशन हमेशा उनके साथ ही जान से खड़ी है। थैंक यू सर। और कोई सही जा रहा है जैसे संजय मिला जी, उन्होंने गलती क्या की उसको बताओ, वो तो बता दें कोई लोग उस टाइम पे ऐसे कभी हुआ नहीं, जैसे हमारे साउथ में भी बन गए फिल्म है वहां पे भी भगवान के ऊपर वहां पे कोई उत्तर मतलब होती नहीं। महाराष्ट्र में क्यों इस छोटी सी चीज का हुआ कि सबको एक दूसरे की इज्जत करनी है, वी हैव टू मेंटेन दैट राइट। मैं ये सभी कह रहा हूँ कि हम फिल्म में कर रहे हैं, आर्टिस्ट हैं तो वी कैन गो बिगर, कि हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, तो बात वो नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो सबसे वो और सौ तरीके हैं, और जैसे आज 26/11 है, यू कांट टेरराइज पीपल, खुद तो सारी दुनिया उसी पर चलती रहेगी। इसीलिए मैंने अभी पहले भी बोला, अपन से पूरा सारे साहब ने मुझे लिखा था अल्लाह तेरे नाम ईश्वर तेरे नाम, और उस भजन में लाइन थी पहलवानों को दे दे क्या, तो वो दिमाग में रखे और इस देश में रहते हैं और तरह के लोग हैं तो अपनी बात कहनी कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गिराएं या प्रेजेंट करें, सबकी अपनी अपनी जगह, वो सब दिमाग में रख के चल रहा है, लेकिन टेररिज्म और कोई बहाना ढूंढते तो कुछ और बहाना नहीं होता। सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट हम डिजर्व कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये दुर्गा जो पद्मावतिका है, अगर कोई कह रहा है कि पैसे लगे तो सवाल पैसे का नहीं है, अगर किसी ने पैसे गलत चीज़ से लगाए तो उसको रोका जा सकता है। सेंसर बोर्ड है, सरकार है, कोर्ट है, बहुत सारे तरीके हैं, आप जाइए कोई कस्टमर उसके तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ लग रही है तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन हर एक चीज़ का एक तरीका है। आप 26/11 का मौका है तो याद करिए कि अगर सारी दुनिया इसी तरह से लेगी तो कैसे जीएगी। आपको हर चीज़ पे सुबह से लेकर शाम तक घर से निकलने से पहले कोई बताएगा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, कहेंगे कि ऐसा करो इस चीज पर पहुँचने से पहले। इसीलिए इस वजह से मैं इस्तेमाल बहुत बहुत थैंक यू जितने भी लोग यहाँ आए हैं और जितने भी लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस एंड ऑल द टेक्निकल एसोसिएशंस हैव कम टुगेदर, यू शुड रियलाइज दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस इशू इज फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। ऑल दोस पीपल स्टैंडिंग हियर दे रिप्रेजेंट एटलीस्ट 2 to 3 lakh मेंबर्स ऑफ देयर एसोसिएशन। All these people who are here on the stage and down below, they represent lakhs of people who are members of their associations. We have not called everyone because we don't want to create any kind of law and order situation here, respecting the members who are on the stage. So, jitne bhi log yahan par jama hue hain, ye represent karte hain lakhon log industry ke jo industry mein kaam karte hain. Film aur television industry sirf 6-7 actors nahi hai. सिर्फ 6-7 डायरेक्टर नहीं है, इंडस्ट्री में काम करने वाला स्पॉट बॉय, लाइट बॉय, कार्पेंटर, डांसर्स, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, ये सारे लोगों के जो लीडर हैं वो यहाँ पर हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता है कि तालियों के साथ हमें अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और ये बात हम ये भी कहेंगे कि हम लोगों को अनपढ़ मत समझिए, ये बात बहुत ज़रूरी है, हमें अपना काम अपने हिसाब से करने दीजिए। उसके लिए हम सब सारे लोग आज जमा हुए, हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे, हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे, हम कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, हम अपने आप को फ्रीली काम करने देने के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और ये मैसेज देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले जी ये वेस्टर्न यूनियन पुलिस एसोसिएशन उनके सेक्रेटरी। नमस्कार, आज संविधान का दिन है